उज्जैन जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई थी कि भीड़ एकत्रित ना हो, पर उज्जैन जिला प्रशासन की सारी तैयारियां फेल साबित हो गई और साथ ही में उज्जैन शहर के अलग अलग मंदिरों के अंदर शहर के प्रमुख बाजार, प्रमुख सड़क और प्रमुख चौराहों पर मिनी सिंहस्थ सा नजारा दिखाई दे रहा था। और उज्जैन शहर के अंदर लाखों भक्त श्रद्धालु मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे थे और वही बाजारों में खरीदारी कर रहे थे और तमाम सड़के बाजार में लाखों भक्त श्रद्धालु मौजूद रहे। हालात इस कदर दिख रहे थे कि सब दूर जाम लगा हुआ था और लोग निकल ही नहीं पा रहे थे बाइक लेकर, जहां प्रशासन ने भीड़ ना हो इसको लेकर तमाम प्रकार के दावे जताए, पर किंतु भक्तों की आस्था और भक्ति के आगे जिला प्रशासन की तमाम तैयारियां। यहां से आए हुए थे और शहर के कौन कौन से मंदिर को दर्शन कर लिए आप लोगों ने? राजस्थान से आए थे, अजमेर से, महाकाल बताते हैं कोरोना देखते हुए जो वर्ष भर में एक बार खुलता है नागपंचमी पर नागचंद्रेश्वर, वहाँ के दर्शन किए आप लोगों ने? अच्छा, वहाँ के दर्शन नहीं कर पाए, बाकी शहर के अन्य मंदिरों को दर्शन कर लिए। पहले कितनी बार आना हुआ आपका उज्जैन? 5-6 बार है। साल में एक बार सावन में आते हैं, क्या महत्व रहता है उज्जैन आने का, क्या मानते हैं? बाबा महाकाल की नगरी है। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? अजमेर। हुए हैं और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? और दिल्ली से आए हुए हैं। पहले कितनी बार आना हुआ महाकाल? फर्स्ट टाइम आना हुआ। बाबा महाकाल के दर्शन हो गए आप लोगों को? अच्छा, और शहर के अन्य मंदिरों के दर्शन हो गए? बाकी सब के दर्शन कर लिए। अच्छा, पहली बार आना हुआ है, कैसा लगा आपको उज्जैन में? बहुत बढ़िया लगा जी। ये बताइए, नाग चंद्रेश्वर का जो मंदिर है साल में एक बार खुलता है, वहाँ के दर्शन आप लोग हुए? वहाँ के नहीं हो पाए, बाकी शहर के अन्य मंदिरों के दर्शन हो गए? अच्छा, क्या व्यवस्था करना थी शासन को नाग चंद्रेश्वर के दर्शन भक्त कर सकें, क्या व्यवस्था करना थी आपके हिसाब से बताइए? मगर पब्लिक शायद नहीं है, कोरोना देखते हुए शायद इस बात के लिए जो क्या गवर्नमेंट करिए मेरे हिसाब से सही होगा। अच्छा, पब्लिक मानती भी नहीं है। हाँ, जो कर रही है गवर्नमेंट सही कर रही है। अच्छा, अन्य मंदिरों में दर्शन कर लिए आपने? महाकाल जी बहुत बड़े दर्शन हो गए। अच्छा, क्या नाम आपका, कहाँ से आए आप लोग? वॉइस ऑफ राइट्स के उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।